सभी को मेरा जोहार नमस्कार। मेरे YouTube चैनल झारखंडी व्यंजन भाई अंकिता मिक्की में मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं केक दोस्तों, चॉकलेट केक। और चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है दो जो है ओरियो बिस्किट के पैकेट, जो ओरियो बिस्किट इस तरह से होते हैं जिन जिसमें इस तरह से बीच में क्रीम भरे हुए थे, ये दो ओरियो बिस्किट मैंने ले लिया है। ऊपर से मैंने चॉकलेट सिरप ले लिया है हर्सीज का, ये साथ साथ यहाँ पे एक डेरी मिल्क चॉकलेट, ये रहे बेकिंग पाउडर, साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्लास में गुनगुना दूध दोस्तों, दूध हल्का गर्म है। साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पे विनीगर, और यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक, साथ में हल्का सा ऑयल, ये रही हल्का हल्की सी मैदा, और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है दोस्तों एक बर्तन। तो आइए दोस्तों अब हम बनाना शुरू करते हैं ओरियो केक। तो ओरियो केक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कुकर, ये कुकर है। अब ये कुकर को हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये जो नमक है, नमक डालकर हम कुकर को जो है वो गैस ऑन कर देते हैं, और इसे हम प्री हीट कर लेते हैं। प्री हीट कर लेते हैं यानी कि इसे हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें हम एक स्टैंड डाल करके, और फिर इसे तो इसके हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर का ढक्कन, और इसकी जो सीटी है और इसके रबर जो है वो मैंने हटा लिया है, और यहाँ पे कुकर को मैं बंद कर देती हूँ। अब आइए हम सारा प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो भी चॉकलेट ये बिस्किट है दोस्तों, तो इस बिस्किट को मैं फाड़ लेती हूँ और इसे फिर मिक्सर में पीस करके आपको दिखाती हूँ, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो आइए दोस्तों, ये जो बिस्किट था ओरियो, इसको मैंने क्या किया है यहाँ पे इस तरह से मिक्सर के जार में जो है वो पीस लिया है। अब मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ पे सारे जो पाउडर हैं दोस्तों, उस सारे पाउडर को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक जो बर्तन है वहाँ पे मैं डाल देती हूँ अच्छे से, ताकि ये बढ़िया से देखिए कितना सुंदर पाउडर बना है। अब मैं क्या करती हूँ इसमें दोस्तों, यहाँ पे मैं मिलाऊँगी यहाँ चुटकी भर जो है वो बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, साथ साथ यहाँ पे मैं डालूँगी ये जो हम ऑयल डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और अब मैं यहाँ पे डालती हूँ थोड़ा थोड़ा दूध दोस्तों, और दूध डालकर मैं इसे अच्छे से जो बिल्कुल जो है ये बढ़िया थिक जो है बैटर जो है वो तैयार कर लूँगी, और बैटर तैयार करके मैं बढ़िया आपको केक बना करके दिखाती हूँ दोस्तों। तो इसे इतना फेंटे कि बढ़िया बैटर तैयार हो जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालूँगी, विनेगर दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये मैंने विनेगर ले लिया था, एक ढक्कन जो है विनेगर मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से जो है विनेगर डालने के बाद ये केक जो है अच्छे से फूल जाए दोस्तों। तो इसे मैं इस तरह से जो है वो बीटर की मदद से खूब अच्छे से फेंट लूँगी, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया दोस्तों। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक जो है ये इस तरह का जो है सिल्वर का जो बर्तन है दोस्तों, मैंने उसे लिया है, और यहाँ मैं इसे इस तरह से चारों ओर से जो है वो रिफाइंड ऑयल लगा करके इसे चारों तरफ इसके कोने में रिफाइंड ऑयल लगा लेती हूँ बढ़िया से, और उसके ऊपर अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो मैदा है दोस्तों, ये मैदा की जो मैं अच्छे से पूरी तरह से इसकी डस्टिंग कर देती हूँ, और ये मैदा जो है इसमें अच्छे से डाल करके पूरा हिला लें, और जो एक्स्ट्रा मैदा है ये छन के बाहर आएगा, तो इसे अब हम निकाल लेंगे दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे इसे हम अच्छे से फेंट रहे हैं बढ़िया से, 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ओवन जो है मेरा, जो कुकर ओवन है वो गर्म हो ही रहा है, तब तक मेरे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, मैं आपको इसे ओवन कुकर ओवन में पुट करके दिखाती हूँ। तो आइए दोस्तों देखिए, ये जो कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाला जो ये बैटर है, जो ओरियो केक का, ओरियो केक के लिए हमने जो ये बैटर बनाया था, ये बढ़िया से यहाँ पे फिट चुका है दोस्तों। और यहाँ पे जो मैदा डस्ट करके मैंने रखा था, इस पर भी मेरे पास बटर पेपर नहीं है ना, तो मैं बटर पेपर डालती। अब यहाँ पे मैं बढ़िया से क्या कर रही हूँ, इसको इस सिल्वर वाले जो बर्तन है, आप इसी में सिल्वर के बर्तन का ही यूज़ करें, दूसरे बर्तन का यूज़ ना करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ओरियो बैटर है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है इस बर्तन में चला गया है, जो बाकी के बचे हुए बैटर है मैं उसे भी अच्छे से
यहाँ पे डाल देती हूँ और इसे चारों तरफ से इस तरह से बराबर से इसे टैप कर दें। टैप करने से क्या होगा कि इसके अंदर एक भी जो हवा है वो नहीं जाएगी। ये अच्छे से टैप हो चुका है और आइए अब हम कुकर को, जो हमने 15 से 20 मिनट पहले गर्म होने दिया था, तो देखिए यहाँ पे जो कुकर है वो गर्म है। अभी मैं इसमें इस तरह से जो एक जाली है दोस्तों, एक जाली होती है, वो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ ताकि ये इसके ऊपर मैं बर्तन को रख सकूँ। और ये जो हमारा ओरियो केक का जो बैटर था दोस्तों, ये चला गया हमारे कुकर के अंदर। और अब मैं आइए इसमें लगा देती हूँ ढक्कन। और देखिए मैं मीडियम जो है, ये जो फ्लेम जो है एकदम बिल्कुल मीडियम कर देती हूँ, इतने में आप भी रखें। और इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है चॉकलेट का जो सिरप है वो बना करके आपके आपको दिखाती हूँ, तब तक बने रहिए। आइए दोस्तों यहाँ तो देखिए केक जो है हमारा पक ही रहा है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे पास डेयरी मिल्क थे दोस्तों, तो डेयरी मिल्क को मैंने क्या किया है, कांच के बर्तन में ले लिया है। और यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है, यहाँ पे एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए दे दिया है। वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो कांच की मेरी कटोरी है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देती हूँ। अब कांच की कटोरी में क्या होगा कि जब नीचे से जो पानी है वो गर्म पानी जो है ये कांच की कटोरी पे पड़ेगा तो ये चॉकलेट जो है क्या होगा, ये पिघलेगा दोस्तों। तो ये चॉकलेट धीरे धीरे इसको पिघलना शुरू हो जाएगा इस कांच की कटोरी से। और मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये जो मैंने चॉकलेट सिरप लिया था, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और कुछ बहुत मैं बचा लेती हूँ, इसे मैं जो है वो केक पे रब करूँगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये जो गर्म पानी है इससे जो ये पूरा चॉकलेट है वो, इसे हम अच्छे से घुमाएंगे तो देखिए चॉकलेट कितना अच्छा से, यहाँ पे देखिए किस तरह से जो चॉकलेट है वो चारों तरफ से जो है वो पिघल रहा है दोस्तों। सबसे ईजी नीचे गर्म पानी रख दें, कटोरी रख दें और यहाँ पे जो चॉकलेट है वो अच्छे से पिघल रहा है। तो इसी तरह से चॉकलेट को जो खूब घुमा घुमा करके अच्छे से पिघला ले दोस्तों। तो मैं आइए मैं पिघला लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ हल्का सा हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, कुकर का जो ढक्कन है उसको खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये खुल रहा है और यहाँ देखिए जो केक है हमारा वो बहुत अच्छे से पक रहा है और बीच में ये फट भी गया है दोस्तों। अब मैं इसमें जो ये फोर्क है, देखिए दोस्तों ये मैंने फोर्क जो है इसमें कांटे का चम्मच जो है ये डाला, तो देखिए इसमें क्या हुआ, केक एक भी नहीं चिपका, यानी कि केक जो है हमारा बन चुका है। और मैं वापस से इसे जो है ये ढक देती हूँ दोस्तों, और यहाँ फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दूँगी, लेकिन फिर भी मैं इसे 10 मिनट इसी पे गर्म होने देती हूँ, इसी के टेम्परेचर पे। और यहाँ पे देखिए ये जो चॉकलेट है वो कितने अच्छे से जो है यहाँ पे मेल्ट हो गया है और इस तरह से जो है ये तैयार हो रहा है। थोड़ा सा इसे हम और जो है वो मेल्ट होने देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए फिर हम इसमें जो ये हमारा जो ओरियो केक है उसमें फिर इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। आइए दोस्तों कुकर को मैंने गैस से निकाल लिया है और यहाँ पे ये बहुत देर ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इस बर्तन को जो है वो इससे बाहर कर लेती हूँ। नमक देखिए कितना भूरा हो गया है, इसे मैं हटाती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो ओरियो केक है हमारा ये बन करके तैयार है, देखिए कहीं से भी फटा नहीं है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगी, इसे चारों तरफ से जो है ये चाकू की मदद से जो है ये प्रेस करके इसे बहुत अच्छे से, मैं धीरे धीरे ठंडा हो गया है तो इसे मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ मैं इसे जो है इस तरह से पलट देती हूँ और मैं इसे चारों तरफ से इसे जो है इसे मैं ठोक दे रही हूँ। ठोकने से क्या होगा, ये जो केक है वो थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा और यहाँ पे चॉकलेट भी है वो ये बॉईल हो गया है। आइए इसे हम ठंडा कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए ये जो हमारा ओरियो केक था वो कितना सुंदर जो है वो बन करके निकल गया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो हमारे चॉकलेट सिरप थे मैं उस चॉकलेट सिरप को इस तरह से ले रही हूँ और यहाँ पे जो है ये केक में मैं इसे इस तरह से जो है वो फैला दूंगी दोस्तों। तो यहाँ पे ये रहे हमारे चॉकलेट सिरप। अब हम क्या करते हैं, इसे
इस तरह से जो है ये मेरे पास पैलेट नाइफ है, पैलेट नाइफ की मदद से मैं सारे जो चॉकलेट सिरप है उसको यहाँ पे केक में इस तरह से फैला देती हूँ। एकदम बिल्कुल होममेड है दोस्तों। जब आपको केक खाने का मन करे तो आप इसे इस तरह से, अगर आपके पास केक ना हो तो आप एकदम तुरंत बगल में दुकान से ओरियो बिस्किट लाएं और इस तरह से बना ले दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्रीम, जो सारी जो हमारे चॉकलेट सिरप है वो मैं चारों तरफ से इसमें जो है वो अच्छे से कोट कर देती हूँ। ये बिल्कुल कोट हो चुका है, इस तरह से कोट कर लें चारों तरफ से, बढ़िया कोटिंग जबरदस्त। और साथ साथ यहाँ पे जो हमारा जो हर्सीज का चॉकलेट सिरप था ये भी मैं चारों तरफ से यहाँ पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए ये रहे हमारे जो है हर्सीज का चॉकलेट सिरप दोस्तों। यहाँ पे मैंने पूरे ट्रे को इस तरह से सजा दिया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल झारखंडी व्यंजन में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, साथ साथ शेयर भी करें। तो देखिए यहाँ पे ये बाकी बची हुई जो भी चॉकलेट्स थी मैं इसको इधर पूरे पूरा जो है एकदम केक को जो है वो अच्छे से पैक कर देती हूँ दोस्तों, बढ़िया चिकना। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे किटकैट रखा है, इसमें इसको भी मैं इसमें डालूंगी, तब तक वीडियो पे बने। आइए दोस्तों केक जो है बढ़िया से जो है वो चारों तरफ से केक में चॉकलेट सिरप जो है वो लग चुका है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, ये हमारा जो किटकैट था उसको एक हम यहाँ पे लगाते हैं और एक जो किटकैट है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं, और एक रही ये बड़ी वाली किटकैट दोस्तों। और देखिए हमारी जो ओरियो केक है वो बन करके तैयार है दोस्तों। और ये रही हमारी चाकू, तो फिर मैं इसे आपको चाकू से कट करके दिखाऊंगी, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो ये जो है हमारा केक तैयार हो गया और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज पे रख दिया था। अब मैं देखिए इसको किस तरह से मेरी बहन से जो है वो कट करवा रही हूँ दोस्तों। और देखिए कितना लाजवाब, कितना स्वादिष्ट ओरियो केक जो है वो बन करके तैयार है दोस्तों। एक टुकड़ा और मैं कट कर लेती हूँ यहाँ पे दोस्तों, एक टुकड़ा और कट कर लेती हूँ। चलो और ये देखिए मेरा लाजवाब टेस्टी ओरियो केक चम्मच से कट करके, आ हा हा बहुत ही स्वादिष्ट दोस्तों। तो आप भी इसे इस तरह से बनाएं और अपने घर में सबको खिलाएं दोस्तों, तो ज़रूर बनाएं ओरियो केक। तो सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।